अभी हम APIs में आएंगे तो यहाँ पर हम एक फोल्डर बनाएंगे APIs की, ठीक है। तो यहाँ पर हम APIs APIs स्क्रीन, और यहाँ पर क्या होगा API, ठीक है। इसके अंदर इससे पहले आपको यहाँ पर API की, ठीक है, API की, ठीक है, तो की API की, अभी आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है यहाँ पर। इसमें हम यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत अच्छा UI है, ठीक है। ये जितने भी बड़ा मोबाइल है छोटा मोबाइल है तो उसमें काम करेगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा UI हमने बना दिया। अभी इसको हम यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं और अभी मैं आपको दिखाता हूँ ओपन AI। तो आपको की कहाँ से मिलेगा, तो आपको ChatGPT पर जाना है। ChatGPT का ऐप है ना, तो वहाँ पर आप ज़रूर जाएंगे। यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो APIs, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा कि आप लॉगिन हो जाओ, ठीक है। अगर साइनअप किया है तो लॉगिन हो जाओ, तो मैंने पहले से साइनअप किया है तो हम लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने लॉगिन किया है, अभी आपको ऐसा स्क्रीन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सी कैटेगरी यहाँ पर पहले से भी मौजूद है, बहुत सी ऑप्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना की जो है वहाँ से कॉपी कर लेना है। कहाँ से, अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप पर्सनल पर क्लिक करोगे, ठीक है। उस करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा व्यू API की, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 2 की जनरेट किया है, क्रिएट किया है, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे क्रिएट न्यू सेलेक्ट की, तो आपको ये एक की देगा, ठीक है, की देगा, और वो की का काफ़ी कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आप की उठाओगे, ठीक है। तो एंड्रॉयड पर हम चलेंगे और यहाँ पर हम कॉन्स्टेंट API की, ठीक है। और यहाँ पर पेस्ट कर लेना है इस ब्रैकेटों के अंदर, ठीक है। यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ तो वीडियो में फ्यूज कर लेता हूँ, ठीक है। ये की किसी को शेयर मत कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो डू नॉट शेयर योर API की विद अदर, ठीक है। तो ये सब कुछ लिखा रहा है कि ये की किसी को पास मत सेंड करना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना की पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने API की जो है वहाँ पर पेस्ट कर लिया। अभी हम API स्क्रीन में आ चुके हैं। सबसे पहले आपको HTTP पैकेज जो है ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ रहा है, तो यहाँ पर हम ट्राई कर लेंगे। ये CD इमेज जनरेट, ठीक है, प्लॉटर ऑफ HTTP। तो अभी हमारा पैकेज ऐड हो जाएगा, ठीक है। हमारा पैकेज जो है ऐड हो चुका है, ठीक है। अभी सबसे पहले आपको इंपोर्ट कर लेना है, इंपोर्ट कर लेना है। तो हमने HTTP का पैकेज जो है इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है, लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। ऐसा करने के बाद आपको ChatGPT ओपन कर लेना, यहाँ से मैंने ओपन किया। आपको क्या कर लेना है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम बैक आएंगे, बैक फिर आएंगे, यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर एग्जाम्पल टेक्स्ट तो सब, तो यहाँ पर आप इमेज जनरेशन पर क्लिक करोगे और यहाँ पर ये आपको देगा APIs, ठीक है। ये API मुझे दे रहा है कि रिस्पॉन्स ओपन AI इमेज डॉट क्रिएट, ठीक है। ये वाइट, तो ये मुझे वाइट कैट है जो ये इसने बनाई है, और किस साइज में बनाई है, 10x24 1000, ठीक है। ये इसका साइज है, इसको हम बाकी छोड़ देंगे। ये इसका API है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ओपन AI रिस्पॉन्स, जो भी नाम इसको या आप देखो, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये और डॉग एंड कैट इसने दिया है, ठीक है। तो ये आ रहा है तो इस साइज में, ठीक है, और ये इसका API है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हमने तो पैकेज इंपोर्ट कर लिया। अभी हम कोई क्लास बनाएंगे, क्लास API
जनरेट है, ठीक है। तो ये हो गयो इमेजिनेट, सॉरी, को यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये हमने कर लिया, अभी इसके अंदर क्या होगा, ये इमेजिनेट मुझे, तो हम इसके जनरेट कर लेते हैं, इमेज जनरेट इमेज। तो फिर भी एरर आ रहा है, तो ठीक है फिर छोड़ेंगे इसको। तो सबसे पहले आपको स्टेटस और फाइनल यू आर एल इक्वल टू यू आर आई डॉट फार्स, और यहाँ पर हमको क्या कर लेना है, यहाँ पर आपको ये लिंक पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया है, सॉरी, तो यहाँ पर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आपको इम्पोर्ट यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। ये लिंक ये यूआरएल है, ठीक है, ये इसका यूआरएल है, ठीक है, सिर्फ यही का। यहाँ पर आपको यूआरएल डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से आप कॉपी कर लें और आप लिख भी सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं, अभी इस करने के बाद आपको क्या कर लेना है, तो अभी हम एक फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन ये पेश कर लेंगे, ठीक है, इमेज एपीआई, ठीक है। इस करने के बाद आपको यहाँ पर एक फंक्शन बनाना है, इमेज इमेज जनरेट, और यहाँ पर इसका फंक्शन मैंने बना दिया है, ठीक है। अभी हमको क्या कर लेने, अभी आपको यहाँ पर एपीआई मिलेगा। मैंने आपसे कहा ना कि यहाँ पर हमारा ये एपीआई है, ठीक है, ये एपीआई है, ठीक है। तो अभी हम एपीआई उठाएंगे यहाँ से, तो ये कोड मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने पेस्ट कर लिया, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, AUTH ओ जेड, सॉरी, AUTH ORIZATION, ठीक है, ऑथोराइजेशन। तो ऑथोराइजेशन को हम क्या पास करेंगे, जो भी नेम है, तो यहाँ पर हम नेम जो है पास करेंगे, ठीक है। इस करने के बाद आपको यहाँ पर ये पेस्ट कर लेना है, ये API से मैंने उठा लिया है, ठीक है, ये इसका API है। और यहाँ पर इसको हम क्या पास कर लेंगे, जो मैंने वहाँ पर बना दिया था वो API की था, तो यहाँ पर API की, ठीक है, API की। तो ये मैंने पेस्ट कर लिया है, अभी ये एरर दे रहा है कि ये क्यों एरर दे रहा है, तो अभी ये मुझे एरर दे रहा है। अभी हम देख लेते हैं कि ये ऑथराइजेशन, ये तो ठीक है, हमें ये कर लेना है, तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है, ये सब कुछ। तो अभी ये ठीक हो जाएगा, तो अभी आप देख सकते हो ये ठीक हो चुका है। अभी इसके करने के बाद आपको API को डाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ये आपको API से मिलेगा, ठीक है, ये API से आ रहा है, ठीक है। तो अभी हमारा यहाँ सर API हो चुका है, अभी हम क्या कर लेंगे, अभी इसको बॉडी हम लेंगे, ठीक है। तो अभी बॉडी मुझे दे रहा नहीं, अभी ये ठीक हो चुका है, अभी और काम हम करेंगे इसके बाद, ठीक है। और इसके बाद हम इसको बॉडी लेंगे, तो बॉडी कहाँ पर लेंगे, ये थोड़ा हेडर जो है ख़त्म हो चुका है, अभी बॉडी, तो बॉडी में हम क्या लिख देंगे, बॉडी में हम आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर इसके बॉडी में क्या है, ये चीज़ है, तो ये आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, और यहाँ पर हम ये पेस्ट कर लेंगे। इससे पहले आपको जेसन हमने गलत लिख दिया है, जेसन डॉट ई कोड, यहाँ पर क्या आ गया, कहा गया ये भाई आओ ना, जेसन ई कोड, या ये है, ठीक है, के अंदर हम ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, ब्रैकेट मैंने लगा दिया। इसके अंदर जो मैंने कॉपी कर लिया वो पेस्ट कर लो, ठीक है। अभी ये स्ट्रिंग में कर लेना है, और ये एन भी स्ट्रिंग में कर लेना है, और ये भी स्ट्रिंग में कर लेना है, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा ये एन, अभी ये एरर कर रहा है, पता नहीं, अभी ये एन में, तो हम देख लेंगे, ये इन स्ट्रिंग में नहीं है, मेरे ख्याल से ये स्ट्रिंग में नहीं है ये इन, ठीक है। और इसको हम स्ट्रिंग में कर लेते हैं,
और फिर भी एरर दे रहा है। तो ये इक्वल टू ये स्ट्रिंग में है, ये मेरे ख्याल में स्ट्रिंग में है। अभी मैंने यहाँ पर ये लगाना है, ठीक है, ये हो चुका है। तो हमने यहाँ पर ये लगाना है और यहाँ पर भी ये लगाना है। तो अभी आप देख सकते हो आपका भाई ने कमाल कर लिया। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो भी नेम आप यहाँ पर डालोगे तो वो नेम का तस्वीर बनेगा और फोटो बनेगा। तो यहाँ पर इसने कैट डाल दिया है, ठीक है। तो हम तो वाइट कैट नहीं, हमको यहाँ पर कंट्रोलर डालना है, ठीक है। तो आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक स्ट्रिंग लेना है, स्ट्रिंग लेना है। क्या स्ट्रिंग हम यहाँ पर देंगे, नेम्स नेम txt, ठीक है। यहाँ पर जो भी नेम है हम यहाँ पर पास करेंगे, ठीक है, नेम txt। और यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर लेंगे, ये हम ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। अभी तो हमने ख़त्म कर लिया। और अभी इसको जो भी डेटा इस स्ट्रिंग में आएगा, ठीक है, नेम txt में, तो ये यहाँ पर इसमें आ जाएगा, ठीक है। जो भी नेम आप यहाँ पर डालोगे, सर्च करोगे जो भी फोटो, तो वो वहाँ पर इसका वैल्यू यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये तो हो चुका है। अभी ये साइज़ भी हमें लेना है स्ट्रिंग में साइज़, ठीक है। और यहाँ पर ये साइज़ हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेंगे। अभी ख़ुद में साइज़ देना है, ठीक है। आपने UI तो देख लेना है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर आप खुद साइज़ दोगे, तो उस करने के बाद आपको जो भी साइज़ पसंद है वो आप उसमें डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये काम तो कंप्लीट हो चुका है। अभी इस करने के बाद क्या करेंगे हम, तो हमारा काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, एक चेक लगाएंगे लाइफ, और यहाँ पर हम इसे क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स। ये रिस्पॉन्स यहाँ पर आएगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, ठीक है, इक्वल टू 200। अगर ये स्टेटस कोड, ये रिस्पॉन्स कोड, ये 200 क्या बराबर हुआ, तो ये क्या करेगा, ये अभी क्या करेगा, अभी डेटा इक्वल टू हम लगाएंगे जेसन डीकोड, ठीक है। यहाँ पर रिस्पॉन्स आएगा, मैंने गलत जगह पर लगाया था, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर बॉडी डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, ये तो हो चुका है हमारा। अभी जब डेटा आएगा तो मुझे प्रिंट कर लेना है, ठीक है, कि डेटा हेलो एड लोड डन, ठीक है। जब डेटा आएगा तो ये मुझे प्रिंट करेगा, डेटा लोड डन, ठीक है। अभी इस करने के बाद रिटर्न हम कर लेंगे, रिटर्न ये डेटा आएगा, ये ऊपर जो डेटा मैंने लिया है, ठीक है, ये डेटा यहाँ पर आएगा और यहाँ पर क्या करेगा, रिटर्न क्या करेगा, ये API हमको कॉपी कर लेना है, ये API, ठीक है, ये हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पर पेस्ट कर लेना है, ठीक है। ये तो हो चुका है। ये क्यों एरर दे रहा है, रिस्पॉन्स, तो यहाँ पर रिस्पॉन्स भी क्या, तो अभी ये एरर दे रहा है कि ये क्यों एरर दे रहा है कि यहाँ पर हम अभी रिटर्न डेटा करेगा ना, तो डेटा, ठीक है, डेटा, ठीक है, तो ठीक हो चुका है, रिटर्न ये करेगा। अगर ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ तो मुझे प्रिंट कर लेना है क्या, डेटा एरर, ठीक है, तो ये मुझे ये प्रिंट करेगा डेटा एरर। तो अभी ये काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी मैंने क्या कर लिया है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आपको ये सारा कोड कॉपी नहीं कर लेना है, ठीक है, आपको सारा कोड खुद लिख देना है ताकि आपका एक्सपीरियंस हो जाए कि API किस तरह काम कर लेता है, ठीक है, API किस तरह आता है। तो आपको ये कोड सारा कॉपी नहीं कर लेना है, ठीक है, तो ये हम API कर लेते हैं, ठीक है। तभी आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक क्लास लिया है API का, ठीक है, इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी यहाँ पर ये मैं इस तरह कर लेता हूँ, ये भी इस तरह, अभी ये इस तरह हो गया, ठीक है, यहाँ पर स्पेस भी मैं ख़त्म कर लेता हूँ। अभी इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आप खुद लिख सकते हो, ठीक है।
अभी मैंने किया API क्लास बनाया स्टेटिक फाइनल URL, ये URL है जो मैंने पार्स में कन्वर्ट किया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो URL पार्स, ये URL यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया है इमेज जनरेटेड, इस पर मैंने क्या किया एक स्ट्रिंग या नेम टेक्स्ट जो भी इमेज जो भी आप इमेज देना चाहते हो टेक्स्ट में तो वो बनाएगा, ठीक है। तो ये वो कंट्रोलर है, ठीक है। और ये साइज क्या है, आप जो भी साइज में डाउनलोड करना चाहते हो तो वो ये साइज है, ठीक है। अभी करने के बाद ये फंक्शन मैंने बनाया और यहाँ पर मैंने किया रिस्पॉन्स अवेट इज इक्वल टू अवेट hstv.force.url, ये URL यहाँ पर ये URL यहाँ से आ चुका है, ठीक है। और हेडर में ये API ChatGPT पर है, ठीक है। तो इसमें क्या किया मैंने, यहाँ पर API की मैंने जो है यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर बनाया है, ठीक है, ये है, ठीक है, API की, तो ये मैंने यहाँ पर डाल दिया है और ये API इसका है, ठीक है, एप्लीकेशन JSON। और बॉडी में क्या नहीं, मैंने बॉडी में लिया है JSON E-code और इसमें हमने किया ये नेम, जो भी टेक्स्ट आप लिखोगे तो वो टेक्स्ट आपको ये जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये वो टेक्स्ट है और एन ये API का है, ठीक है, एक पिक्चर बनाएगा। और साइज जो भी साइज आप यहाँ पर दोगे, यहाँ पर जो भी साइज आप यहाँ पर दोगे वो साइज यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसको ये एस हम कैपिटल कर लेते हैं, सॉरी स्मॉल, ठीक है, ठीक हो चुका है। अभी इसमें ये फंक्शन मैंने क्रिएट किया, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अभी मैंने क्या कर लिया, इस करने के बाद हमने ये URL पर ख़त्म हो चुका है, यहाँ पर किया URL पर। अभी मैंने लगाए एफ रिस्पॉन्ड स्टेटस कोड, अगर 200 हो चुका तो वार डेटा जैसन डिकोड रिस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट टू स्ट्रिंग। और मैंने लगाया फ्रेंड डेटा लोड डन, तो जब ये डेटा कन्वर्ट हो जाएगा डिकोड में बॉडी में, ठीक है, और रिटर्न करेगा डेटा ये, ठीक है, डेटा जीरो डॉट URL, ठीक है, और नहीं हुआ तो फ्रेंड ये कहेगा, ठीक है। तो आप ये डाल सकते हो, ठीक है। तो अभी इसको हम ठीक कर लेते हैं और आप इससे लिख सकते हो, ये मैं सोर्स कोड में नहीं देता, ठीक है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस हो जाए कि API कैसा काम करता है, ठीक है। तो अभी हमने ये किया है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, होम स्क्रीन में आएंगे और होम स्क्रीन में हमने क्या बनाया था, यहाँ पर मैंने पहले से बनाया था तो मैं कट कर लेता हूँ। तो भी हम इसको कट कर लेते हैं, ये एरर दे रहा है, अभी हम इसको कट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर मेन्यू बटन लगाना है, तो अभी हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले जो साइज़ आपको देना है उस साइज़ में ये जो है आपको पिक्चर देगा, ठीक है। तो साइज़ वाला का चुका है, यहाँ पर ये कंटेनर मैंने लिया है, ठीक है। अभी मैं आपको रन कर लेता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो हमारा प्रोजेक्ट जो है रन हो चुका है। अभी मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको यहाँ पर साइज़ देना है, ठीक है, मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, ठीक है, मीडियम लार्ज और स्मॉल, ठीक है। तो तीन साइज़ है आपको देना है, साइज़ कहाँ पर आएगा, ये साइज़ है, ठीक है, ये साइज़, ठीक है, APIs में ये साइज़, इसको हम साइज़ देंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर API में देखोगे तो यहाँ पर इसने क्या साइज़ दिया है, 1024, ठीक है, तो ये साइज इसने दिया, ये तीन साइज साइज सपोर्ट करेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, 256 12, ठीक है, एंड 1024, ठीक है। तो ये तीन साइज है, हम कॉफी नहीं कर, अभी हम क्या कर लेते हैं, अभी हम एक काम कर लेते हैं, फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले अभी हम होम स्क्रीन में आएंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। फंक्शन का क्या बनाएंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे वार साइज़, ठीक है। तो साइज़ मैंने लिया है, अभी इसको हम लिस्ट में बंद करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लेंगे साइज़ 256 था ना, तो 256 256, ठीक है, ये हो गया। नहीं अभी साइज ये साइज नहीं है, साइज मीडियम लार्ज होता है, ठीक है। तो ऐसे स्मॉल एंड मीडियम, ठीक है, और यहाँ पर हम लार्ज देंगे, ठीक है। तो ये हमारा साइज हो चुका है। अभी हम लेंगे वैल्यूज, ठीक है,
साइज में जो भी वैल्यू आएगा, तो अभी 256 और 256, ठीक है, यह हो चुका है। दूसरा क्या था, 512, यह आपको API से उठाना है, ठीक है, ChatGPT से उठाना है, ठीक है, 512 एंड 512, ठीक है, यह हो चुका है। अभी तीसरा जो है वो है 1024 एंड 1024, साइज पैक्स हो चुका है। अभी हम एक स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग मैंने लिया, स्ट्रिंग मुझसे क्या मांग रहा है, अभी सॉरी ये आपका आ गया, स्ट्रिंग मुझे ड्रॉप वैल्यू, ठीक है, ड्रॉप वैल्यू, ठीक है। तो अभी जब मैं साइज सेलेक्ट कर लेता हूँ स्मॉल, तो स्मॉल को ये फर्स्ट वाला ड्रॉप वैल्यू में सेव हो जाएगा, ठीक है, और ये मीडियम, मीडियम में 512 वाला ड्रॉप वैल्यू में सेव होगा। तो ये सब वैल्यू ड्रॉप वैल्यू में, ड्रॉप स्ट्रिंग में यहाँ पर सेव हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मुझे साइज लेना है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम, ये कहा ये कंटेनर हो चुका है, ये कंटेनर मैंने यहाँ इस कंटेनर में लेना है, ठीक है। तो चिल्ड्रन और यहाँ पर मैं ड्रॉप मेन्यू, ये बटन हम लेंगे, इसके अंदर हम क्या लेंगे, और चिल्ड्रन एंड ड्रॉप डाउन बटन, ठीक है, ये मैंने लिया। अभी ये क्या सपोर्ट करता है, ये ऑन चेंज हैंड टेक्स्ट, तो सबसे पहले हैंड टेक्स्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे, हैंड टेक्स्ट, ठीक है, और इसको हम देंगे साइज, ठीक है, साइज हमने दिया। अभी हम ऐसा कर लेते हैं कि ये ऐसा कर लेते हैं ताकि आपको कोड साफ नज़र आएगा, ठीक है। तो अभी टेक्स कहाँ पर ख़त्म हुआ, यहाँ पर, ये मुझसे पर वैल्यूज मांग रहा है, तो वैल्यूज हम क्या देंगे, ड्रॉप वैल्यूज, ठीक है, और डी ड्रॉप वैल्यूज, ठीक है, ये हो चुका है। अभी ये मुझे से आइटम्स, तो यहाँ पर आइटम्स क्या देंगे हम, जनरेट जी लेट जनरेट, ठीक है, और ये लेंथ मुझे क्या कह रहा है कि लेंथ ऑन, नो लेंथ हम देंगे साइज, ये साइज डॉट लेंथ, ठीक है, साइज ये साइज आ रहा है, ठीक है, ये साइज, ठीक है, स्क्रीन पर ये साइज शो होगा। और बैकिंग में यहाँ पर ये मुझसे कह रहा है कि ये चीज़ इंडेक्स, तो यहाँ पर हम बॉटम या ड्रॉप मेन्यू, डी आर ऑफ ड्रॉप मेन्यू आइटम, ये आएगा, और इसके अंदर हम लेंगे क्या चीज़, टेक्स मैंने लिया, और टेक्स के अंदर क्या होगा, साइज इंडेक्स, ये कोड हम ऐसा कर लेते हैं, हमने ड्रॉप मेन्यू आइटम में किया लिया साइज इंडेक्स, और इसके बाद हम वैल्यूज, तो ये वैल्यूज कहाँ पर गया, वैल्यूज यहाँ पर वैल्यूज, ठीक है, इसके अंदर हम क्या लेंगे, इसके अंदर वैल्यूज में क्या आएगा ड्रॉप वैल्यूज एंड टेक्स एंड साइज भी आ चुका है, वैल्यूज, ये वैल्यूज बाकी हो चुका है, तो ये वैल्यूज हम इसमें डालेंगे, वैल्यूज वैल्यूज, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर आ चुका है वैल्यूज, और ये वैल्यूज मेरे ख्याल से इंडेक्स में आ रहा है, ठीक है, तो इंडेक्स में आ रहा है। अभी हमारा काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये मुझसे क्या मांग रहा है, आइटम्स, तो इसके अंदर जो है आइटम होते हैं, आइटम नहीं सॉरी, ये क्या मांग रहा है, अभी मैं देखता हूँ ये क्यों एरर दे रहा है, ऑन चेंज वैल्यू, तो चेंज होगा ना, तो अभी क्या होगा, यहाँ पर सेट स्टेट हम लगाएंगे, सेट स्टेट में ड्रॉप वैल्यू इक्वल टू वैल्यूज डॉट टू स्ट्रिंग। तो अभी मैंने क्या कर लिया, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। अभी हमने यहाँ पर कहा गया, यहाँ पर
कंटेनर के चैनल में ड्रॉप बॉटम हेडर लाइंस जो है एक कंटेनर के थ्रू अभी मैं सेव कर लेता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि ये कैसा काम करेगा। अगर काम किया तो मैंने तो ऐसा लगाया कि काम करेगा भी या नहीं, तो अभी ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये बटन हो चुका है ड्रॉप डाउन बटन। ठीक है, और ड्रॉप डाउन बटन के अंदर क्या होता है, ये चीज़ ड्रॉप डाउन बटन, तो ये नीचे आ रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हो ये नीचे आ रहा है। ठीक है, तो नीचे आ रहा है, तो इसके अंदर मैंने क्या कर लिया है, नीचे ड्रॉप डाउन बटन के अंदर ये चुका है ड्रॉप डाउन बटन। अभी इसको हम वैल्यूज मैंने दिया, अभी ड्रॉप मेन्यू आइटम, ये कंटेनर सारा है ये मेन्यू आइटम है। ठीक है, ये सारा कंटेनर मेन्यू आइटम है। ठीक है, तो अभी मेन्यू आइटम है, मेन्यू आइटम के अंदर मैंने किया दिया ये साइज़, ये साइज़ यहाँ से आ रहा है, यहाँ से ये साइज़। तो स्क्रीन पर मुझे क्या दिखाता है, साइज स्मॉल मीडियम, और इसका वैल्यूज़ क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो वैल्यूज़। तो ये वैल्यूज स्मॉल को अभी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कि काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका भाई ने कमाल कर दिया है। ठीक है, अब आप देख सकते हो साइज़ भी सेलेक्ट हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो जितना आपकी मर्ज़ी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये अभी कंटेनर से ऐसा कर लेना है। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, ये मीडियम, ये टेक्स, ये बॉटम, और यहाँ पर हम पेडिंग लगाएंगे, पेडिंग एंड ओनली ओनली 5। तब मुझे फाइव लेफ्ट 5, मैंने डायरेक्ट 5 लिख दिया, अभी क्या आएगा मुझे। तो अब आप देख सकते हो ये कंटेनर से लेफ्ट साइड से फाइन साइज बॉक्स इसने लिया, स्पेस लिया। ठीक है, अभी हमारा ये काम भी हो चुका है, अभी बाकी है FEIs की। FEIs तो हमने कर लिया है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम काम करेंगे, और अभी आप देख सकते हो ये मैंने क्या कर लिया। अभी थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, ये स्टेट हो चुका है। अभी ये UI आप इसका मैनेजमेंट से कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट कर लिया आपको। तो ये कंटेनर के अंदर ये कहाँ पर ख़त्म हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो, या ड्रॉप डाउन ड्रॉप डाउन बटन मैंने लिया है। ठीक है, जो नीचे आता है, ठीक है, ड्रॉप नीचे आता है, इसके अंदर मैंने लिया है ड्रॉप डाउन मेनू बटन, ये आइकन। ठीक है, ये आपको दिखा रहा है ये। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन बटन है। ठीक है, ये बटन है। ठीक है, और जो नीचे आ रहा है, तो इस कंटेनर पर आप क्लिक करोगे तो ये नीचे आता है। ठीक है, और मैंने इसके बाद फिर किया और ड्रॉप मेन्यू आइटम, तो इस पर आप क्लिक करोगे, ये आपको ये सारा कंटेनर है ये ड्रॉप मेन्यू आइटम है। ड्रॉप मेन्यू आइटम के अंदर क्या है, साइजेस, ये साइजेस है, और साइजेस में क्या मैंने डिपेंड किया है, वैल्यूज़। यहाँ पर आप देख सकते हो वैल्यूज इंडेक्स में आ रहा है, जब आप स्मॉल पर क्लिक करोगे तो ये वैल्यू ड्रॉप में सेव हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्टेट में लगा दिया। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ पर से होगा, ये कौन सा बटन है, ड्रॉप डाउन बटन, तो इसमें ड्रॉप वैल्यू सेव हो चुका है। ठीक है, जो भी वैल्यू आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे मीडियम स्मॉल, तो ये ड्रॉप वैल्यू में जाएगा। ठीक है, ड्रॉप वैल्यू में ये जाएगा, उसका सेट चेंज होगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो ड्रॉप वैल्यू इक्वल टू डाटू स्ट्रिंग, ये वैल्यू यहाँ से आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वैल्यू कहाँ से आता है, ये वैल्यू यहाँ से आ चुका है। ठीक है, यहाँ से आ चुका है, और ड्रॉप वैल्यू इसका सेट जो है स्टेट चेंज हो चुका है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से ये कट कर लूँ तो क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा सबर कर ले स्टेट। तो अभी हम क्या करेंगे, ड्रॉप वैल्यू में हमारा वैल्यू सेट हो चुका है, अभी हम जाएंगे यहाँ पर, तो अभी हम जनरेट बटन क्रिएट करेंगे। ये मैंने क्रिएट कर लिया, फंक्शनलिटी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो जनरेट बटन मैंने कहाँ पर लिया है, कहाँ गया ये हमारा बटन कहाँ गया, ये सर्च हो चुका है, साइज हो चुका है, और यहाँ पर ये है जनरेट बटन, इस पर मैंने ऑन पेज लगाई FEI क्लास। आप यहाँ पर FEI क्लास के अंदर क्या है, अभी अरे भाई हमारा FEI क्लास, हम इसका लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसका लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं FEI, तो अभी ये मुझे बताएगा। ठीक है, तो मैंने इंपोर्ट कर लिया है, अभी हम क्या कर लेते हैं, इमेज जनरेट, ये फंक्शन मैंने क्रिएट कर लिया। अभी मुझसे क्या नेम मांग रहा है और साइज, तो इसको हम देते हैं
तो ये मुझसे नेम मांग रहा है, तो नेम में यहाँ पर टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, तो यहाँ पर मैं फाइनल एन फॉर्ट इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर हम इसको देंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोल में दिया है, ठीक है। ये टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोल इंपोर्ट मैंने लिया है, और यहाँ पर जो मैंने सर्च लिया है सर्च, ठीक है, यहाँ पर ये कहाँ हो गया सर्च, ये कंट्रोलर को हम देंगे एन फोर्ट, ठीक है। तो मैंने दिया है इंपोर्ट, और ये इंपोर्ट यहाँ पर भी कर लेना है, ठीक है। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर के थ्रू जो भी वैल्यू आएगा तो वो पिक्चर बनाएगा। और साइज को हम क्या देंगे, साइज में ड्रॉप वैल्यू में जो भी वैल्यू आएगा तो यहाँ पर ये प्रिंट जो है प्रिंट हो जाएगा। और अभी हम देखते हैं, ये काम तो हमने कर लिया, अभी हम इसको कर लेते हैं एक यहाँ पर हम लेते हैं एनफोर्ट डॉट txt, तो txt, ठीक है, एज नॉट एम्प्टी। तो यहाँ पर दूसरा कंडीशन हम बनाएंगे ड्रॉप वैल्यू इज नॉट एम्प्टी। तो फिर हम क्या करेंगे, दूसरा ब्रैकेट भी लगाएंगे, ये हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है। ये हो चुका अभी, ये नल चेक ऑपरेटर, ठीक है, ठीक हो चुका है। अभी एल्स में हम आएंगे, एल्स अगर ये वैल्यू नहीं सेलेक्ट किया यूज़र ने तो यूज़र को क्या प्रिंट कर लेना है। अभी ये दूसरा ब्रैकेट हम लगाएंगे, तो एरर हल हो चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पर आप स्नैक बार शो सकते हो, तो मैं अभी प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है, बाद में हम स्नैक बार ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम प्रिंट स्लैप लगाएंगे, प्रिंट और प्रिंट में हम लगाए, सॉरी ये, तो अभी हम यह क्या आ गया, ये यहाँ पर गया फ्रेंट एम्प्टी, क्या कर लेंगे एम फोर्ट इज एम्प्टी, ठीक है। तो ये हो चुका है एम्प्टी, तो अभी क्या करेंगे, ये काम तो हो चुका है, अभी दूसरा काम ये डाउनलोड का बाकी रह चुका है, तो हम बाद में देख लेंगे डाउनलोड को। तो अभी हम क्या क्रिएट करने वाले हैं, कहाँ पर, यहाँ पर एक्सपेंडेड ख़त्म हो चुका है, रोम कहाँ ख़त्म हो चुका है, यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अभी यहाँ पर हम क्रिएट कर लेंगे एक इमेज, लेंगे स्ट्रिंग में एक इमेज लेंगे, ठीक है, इमेज इक्वल टू नल डबन इक्वल टू, ये इमेज लिया है मैंने स्ट्रिंग में, और ये कहाँ पर कल होगा, यहाँ पर एफएच का वर्ड मैंने डाल दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर इमेज इक्वल टू, ठीक है। तो ये जो एपीआई मैंने कल है ये इमेज में आएगा, और यहाँ पर हम क्या क्रिएट करने वाले थे, ये डाउनलोड थे, और डाउनलोड करने रो के यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं एक दूसरा फंक्शनल क्रिएट करने वाले है, बूल लोडिंग फॉल इक्वल टू फॉल, और यहाँ पर हम लोडिंग फॉल है, तो क्या कर लेना है, इमेज नेटवर्क इमेज यहाँ पर क्या कर लेना है इमेज, ठीक है, ये हो चुका है। अगर ये नहीं है तो आपको सेंटर चाइल्ड टेक्स्ट शो कर लेना है एच ई एम पी टी ओ एम टी। तो ये अभी मैं ट्राई करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, बाकी हम इसमें फंक्शन और भी अच्छा बनाएंगे। तो अभी हमारा एफ आई जो है सेट हो चुका है, अभी हम देखते हैं कि काम कर रहा है या नहीं। तो अभी हम क्रिएट करने, अभी यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ बॉय, और जनरेट पर मैंने क्लिक कर लिया, ये मुझे क्या अभी एरर मुझे क्यों दे रहा है कि साइज मैंने सेलेक्ट नहीं किया स्मॉल साइज, और जनरेट पर मैंने क्लिक कर लिया। तो अभी हम देखते हैं कि क्या एरर आ रहा है, डेटा एरर।
डेटा एरर एपीआई में कोई मसला आ चुका है, तो डॉट टू स्ट्रिंग, फिर देखते हैं क्या रहा है। बॉय स्मॉल जनरेट, फिर मुझे आ रहा है कि डेटा एरर। तो एपीआई में कोई भी मसला आ रहा है तो ये हम ठीक कर लेंगे। ठीक है, अभी इसको हम माइनस कर लेते हैं कि क्या मसला आ रहा है। तो अभी हम एपीआई चेक कर लेते हैं कि एपीआई में क्या मसला है या नहीं। तो एपीआई में हम आ चुके हैं यहाँ पर, या ऑथराइजेशन का जो स्पेलिंग है वो हम, ये भी ठीक है। ठीक है, और ये सब कुछ यहाँ पर मैंने कुछ चेंज किया है, इसका नाम मैंने चेंज कर लिया, तो वो आप बाद में चेंज कर सकते हो, कोई भी नाम आप इसको दे सकते हो, और साइज भी मैंने स्ट्रिंग में दिया। ठीक है, और यहाँ पर रिस्पॉन्स वार डेटा ये डीकोड हो चुका है, डॉट बॉडी डॉट टू स्ट्रिंग, एंड यहाँ पर फ्रेंड लोड डेटा डन। ठीक है, तो अगर ये डेटा आ रहा है तो मुझे कहेगा कि डेटा लोड डन, अगर नहीं है तो ये एरर आ है। तो अभी एरर मुझे दे रहा था, मैंने प्रोजेक्ट दोबारा अभी मैं रिस्टार्ट कर लेता हूँ क्रोम पर। ठीक है, क्रोम पर सॉरी, हमारा जो डेटा है वो ऑफ है, तो को हम ऑन कर लेते हैं। तो अभी मैंने इंटरनेट कनेक्शन ऑन किया है, क्रोम जो है क्रोम पर रन हो चुका है। अभी ये आप देख सकते हो, तो ये मैंने किया था, यहाँ पर आप देख सकते हो लोडिंग, अगर लोडिंग है तो लोडिंग मैंने दिया है इसका वेरिएबल, यहाँ पर आप देख सकते हो लोडिंग। ठीक है, लोडिंग इक्वल टू फॉल, तो अगर लोडिंग फॉल है तो क्या दिखाई देगा, ये नेटवर्क में जा रहा है। ठीक है, तो अभी एम्प्टी है, तो एल्स में ये एम्प्टी आ रहा है। अभी हम चेक कर लेते हैं, कोई भी नाम देते हैं वॉय, और साइज आपको ज़रूर सेलेक्ट कर लेना है, वरना आपको यहाँ पर एरर ये देता है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया, हो अभी भी डेटा एरर आ रहा है। तो अभी आपको क्या कर लेना है, ये आपको क्या कर लेना है, अभी आपको देखना है कि एक्सेप्शन वैल्यू टाइप स्ट्रिंग बट गो टू वन ऑफ टाइप नल, और ये कहाँ पर हुआ है। तो अभी हमने इसको वैल्यू दिया है, अभी आपको ये मोबाइल पर रन कर लेना है। ठीक है, क्रोम पर ये काम नहीं कर रहा है, अभी आप देख सकते हो, तो अभी ये मोबाइल पर काम करेगा ज़रूर। ठीक है, अभी आप देख सकते हो मेरा जो पिक्चर जो है वो आ रहा है, ये भी आप देख सकते हो नेटवर्क इमेजेस, तो देख लेते हैं कि आ रहा है या नहीं। तो मेरे ख्याल से ये आपको मोबाइल पर रन कर लेना है, क्रोम पर ये काम नहीं कर रहा है। अब ये हम कर लेते हैं। ठीक है, ये तो पास हो गया इमेज, ये यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रिंग में पास हो चुका है। तो अभी इमेज मेरा इमेज आ रहा है। ठीक है, इमेज तो हो आ रहा है, अभी हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा इमेज आ रहा है। ठीक है, मुकम्मल हमारा इमेज जो है बन चुका है। ठीक है, तो अभी ये नेटवर्क इमेजेस प्रॉब्लम कर रहा है, हमारा इमेज जो है लोड हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ये मुझे एरर दे रहा था, और अभी यहाँ पर डन हो चुका है। ठीक है, तो क्रोम पर भी काम कर रहा है, अभी ये इमेजेस प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो। तो इसको हम एक काम कर लेते हैं, इसको अभी ये लोडिंग मैंने दिया है पाल, तो अभी आपको क्या कर लेना है, यहाँ इस सेंटर के अंदर यहाँ पर साइज बॉक्स मैंने लिया है, उसके अंदर हम क्या लेंगे, एक सर्कल, चलो इसको हम एसेट इमेज डाल लेते हैं। ठीक है, तो एसेट इमेज मैं कॉपी कर लेता हूँ इंटरनेट से। तो अभी मैंने इमेज यहाँ पर जो है एसेट इमेज में डाल दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो लोडिंग GIF। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर सॉरी एसेट एंड लोडिंग डॉट GIF। ठीक है, तो हमने ये कर लिया, अभी हम सेव कर लेते हैं कि क्या सीन है। तो हमने सेव कर लिया, अभी यहाँ पर क्या रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, अभी भी एरर कर रहा है। तो ठीक है, तो अभी आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर आना है इस कंट्रोलर में, जो लोडिंग आ रहा है वो सेट स्टेट में कर लेना है। ठीक है, सेट स्टेट वो कहा गया, अभी ऐसा कर लेते हैं कि सेट स्टेट का पर मैंने डाल दिया है यहाँ पर, तो ये सेट स्टेट आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, और यहाँ पर पेस्ट कर लेना है, ड्रॉप वॉल्यू ख़त्म कर लेना है, यहाँ पर लोडिंग जो मैंने लिया है वो हम यहाँ पर फाइल कर लेंगे। ठीक है,
और ये काफ़ी कर लेंगे अभी, और यहाँ पर जब डेट आएगा तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अगर डेटा नहीं है तो ये पोलने ट्रू है, ठीक है। अगर डेटा नहीं है तो ये ट्रू होगा, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं, फिर भी मसला कर रहा है, अभी हम रिस्टोर कर लेते हैं इसको। कैसे थे मैच लोडिंग लोडिंग GIF, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अभी हम देख लेते हैं ये क्या मसला आ रहा है, एसिड मैच का मसला मेरे याद से आ रहा है। तो अभी दोबारा हम सेव कर लेते हैं, ये हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम कुछ यहाँ पर डालते हैं, हाय हमारा डेटा आ रहा है, ठीक है, हमारा डेटा आ रहा है। अभी आप देख सकते हो ये लोड नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसलिए तो ये लोड कर लेना है, ठीक है। अभी ये क्यों लोड नहीं हो रहा है, यहाँ पर मैच मैच तो आ रहा है, ठीक है, मैच आ रहा है मेरे पास। तो यहाँ पर देख सकते हो नेटवर्क मैच URL, तो ठीक है हम इसको देख लेते हैं, ये ठीक कर लेंगे अभी हम कि यह क्या मसला है। तो अभी हमने प्रोजेक्ट दोबारा रिस्टार्ट किया है और हमारा एसेट इमेज जो है वो लोड हो चुका है, ठीक है। मैंने कोई भी यहाँ पर चेंजेस नहीं किया है, ठीक है, जैसा था वो ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कहा गया ये कहा गया ये होम स्क्रीन है ये, ठीक है। यहाँ पर मैंने कोई चेंजेस नहीं किया, ठीक है। अभी आप देख सकते हो इमेज और यहाँ पर डाटा स्ट्रिंग था, तो वो भी आप लगा सकते हो, अगर नहीं लगाना चाहते हो तो मत लगाओ, ठीक है, वो अच्छी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो पाल था और यहाँ पर ट्रू था, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो तो कोई भी चेंज मैंने किए नहीं किया, ठीक है। मैंने सिर्फ दोबारा स्टार्ट किया ताकि मेरा एसेट इमेज लोड हो जाए, तो हमारा एसेट इमेज लोड हो चुका है। अभी हम डालते हैं यहाँ पर हाय, और ये मुझे क्या देता है, अभी मैं जनरेट पर क्लिक कर लिया। अभी उस अभी इस API का पता चलेगा क्या रहा है। ओ भाई ये क्या रहा है, हमारा इमेज लोड नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो अभी हमको क्या कर लेना है, यहाँ पर नेटवर्क इमेज .toString लगाना है, हमने लगा दिया है। और अभी क्या सीन है भाई, तो अभी हमारा जो सारा कोड है वो बिल्कुल ठीक ठाक है। तो ये अभी मुझे कह रहा है कि एरर में कि ये इमेज जो शो हो रहा है ये आपने क्रोम पर रन किया है, तो क्रोम का जो है अलग तरीका है इमेज शो करने का, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये आपको मोबाइल पर रन कर लेना है, ठीक है। हमारा इमेज आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये इमेज आ रहा है, ठीक है। तो मैंने हाई लिखा है और ये इमेज आ रहा है, अभी हम मोबाइल पर ये रन कर लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, ये मोबाइल पर हम रन कर लेते हैं, तो आप वेट कीजिए, हम मोबाइल पर ये रन कर लेते हैं। तो हमारा प्रोग्राम हम जो है वो रन हो चुका है मोबाइल पर, और अभी हम मोबाइल में ट्राई कर लेंगे कि मोबाइल में क्या रहा है। तो यहाँ पर ये भी आ रहा है, एरर भी आ रहा है, तो चलते हैं इसको हम बाद में ठीक कर लेते हैं, पहले ये चीज़ हम ठीक कर लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर बॉय लिख दिया और स्मॉल में, तो अभी क्या रहा है, डेटा लोड डन, और यहाँ पर आपका इमेज बन गया, ठीक है। तो ये एरर इसलिए आ रहा कि ये क्रोम पर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ये क्रोम में एसेट इमेज जो नेटवर्क इमेज है वो काम नहीं कर रहा है। अभी हो चुका है, अभी हम हाई लिखते हैं, तो लोडिंग आ रहा है, और लोडिंग होने के बाद हमारा डेटा लोड हो जाएगा। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो डेटा लोड डन, ठीक है। तो अभी हमने गैलरी सर्वर पैकेज जो है इम्पोर्ट कर लिया, पर आप देख सकते हो ये है, ठीक है। तो अभी हम डाउनलोड का प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है, डाउनलोड का। तो कहा गया मेरा डाउनलोड यहाँ पर है, ठीक है, ये है डाउनलोड। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, एक पैकेज तो मैंने इंपोर्ट कर लिया, अभी हम यहाँ पर सेंग, ठीक है, सेंक, और यहाँ पर हम लेंगे ये इमेज, नहीं ये इमेज मुझे नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अवेट, ठीक है, अवेट एक गैलरी डबल एल, ये क्यों नहीं रहा, GGA। तो पैकेज तो मैंने इम्पोर्ट कर लिया है, भी ये हम इम्पोर्ट कर लेंगे,
या फिर इम्पोर्ट जी ए, अभी ये नहीं आ रहा है, पता नहीं कि हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये पैकेज लाइब्रेरी इम्पोर्ट कर लिया है, ठीक है, ये मैंने काफ़ी किया है, ठीक है, कहाँ से ये pub.ml, ठीक है, तो लाइब्रेरी तो मैंने इम्पोर्ट कर लिया, अभी डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पर गैलरी जी है, गैलरी सेवर डाटो सेव इमेज, और पाथ हम क्या पास करेंगे, ये इमेज, ठीक है, ये ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, ये रिस्पॉन्स यहाँ पर आता है इमेज में, तो हमारे इमेज इसमें स्टोर होता है, तो हम यहाँ पर इमेज पास कर लेंगे, का पास हुआ तो यहाँ पर हम पास कर लेते हैं का यहाँ इमेजेस, एंड यहाँ पर एल्बम नेम हम रख देंगे ChatGPT। पर आप देख सकते हो मैंने ChatGPT का नाम लिख दिया था यहाँ पर, यहाँ पर आप देख सकते हो ChatGPT, ऊपर आप देख सकते हो ChatGPT एल्बम जो है क्रिएट हो चुका है, अभी आप देख सकते हो ये आप डाउनलोड कर सकते हो। उसने एक बार दोबारा हम आपको चेक कर लेते हैं, अभी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो हेलो, और यहाँ पर हम स्मॉल साइज नहीं मीडियम, और यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं, तो हमारा ऐप जो है बंद हो चुका है, तभी कुछ भी नहीं रहा, ठीक है, फिर भी आप देख सकते हो हेलो, अभी हम डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड पर मैंने क्लिक कर लिया, ठीक है, और हमारा इमेज जो है डाउनलोड हो चुका है, अभी हम गैलरी में देखते हैं क्या आया है या नहीं, तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो आ चुका है, ठीक है, अभी आप देख सकते हो तो मुकम्मल HD में आप देख सकते हो आ रहा है, तो हमारा ऐप जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, अभी आप देख सकते हो, ठीक है, तो अगर आप बाकी काम इसमें करना चाहते हो तो आप खुद कर सकते हो, बस मैंने आपको ये दिखाया था कि आप ये ऐप कैसा बना सकते हो, ठीक है।